दूसरे स्टेट में अच्छा सपोर्ट मिलता है, अकेडमियाँ मिलती हैं, अच्छी सुविधाएँ मिलती हैं, अच्छी डाइट मिलती है, अच्छी कोचेस मिलते हैं, ऐसा यहाँ कुछ भी अभी तक मेरे को मिला नहीं है। मजबूरी इंसान से क्या क्या कराती है, कभी वो रिक्शा चलाने पर मजबूर हो जाता है तो कभी सड़क पर ठेला लगाकर मूंगफली बेचने को। इसी तरह की कहानी मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले सचिन साहू की है। सचिन कोई मामूली शख्स नहीं है, बल्कि वो 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर की दौड़ के कांस्य पदक विजेता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, देश के इस होनहार नौजवान को जीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। सचिन साहू सड़क पर ठेला लगाकर आइसक्रीम बेचने को मजबूर है। आप सोच रहे होंगे कि क्या सचिन को नौकरी नहीं मिली जो वो ठेला लगाने लगे, या फिर वो किसी और शारीरिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। तो नहीं, वो सक्षम है, बस पैसे की तंगी के चलते देश के लिए नहीं खेल पा रहे हैं। वो देश के लिए खेलना चाहते हैं, देश के लिए पदक लाना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी और उस पर से परिवार की जिम्मेदारी उनके पैरों की बेड़ियां टूटने नहीं दे रही। एथलीट को दूसरे स्टेट में अच्छा सपोर्ट मिलता है, अकेडमियाँ मिलती हैं, अच्छी सुविधाएँ मिलती हैं, अच्छी डाइट मिलती है, अच्छी कोचेस मिलते हैं, ऐसा यहाँ कुछ भी अभी तक मेरे को मिला नहीं है। और जैसे कि मेरे पास, जैसे मैंने ये 400 में मैंने लगातार 4 साल अच्छी मेहनत की है, बिना ट्रेनिंग के, बिना, मेरे पास तो ना ही कोच था, ना ही मेरे पास ग्राउंड थे, और ना ही मेरे पास डाइट, ना ही जूते, इसके बगैर मैंने मेहनत की है और ये मैंने 400 में ब्रॉन्ज मेडल लिया है। और मुझे आगे खेलना है तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। अभी मेरा मेन टारगेट है कि मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाऊं। कांस्य पदक विजेता सचिन साहू को सरकार से आर्थिक मदद का इंतजार है, जिससे वो देश के लिए फिर से अपने पंख खोल सके और कांस्य से स्वर्ण तक दौड़ लगा सके। खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आप तक वक्त से पहुंचे।